सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। सो दोस्तों, अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से सिनेमेटिक वीडियो शॉट लेना चाहते हो, प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो आप सही वीडियो पर आ चुके हो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो कैमरा एप्लीकेशन लेकर आया हूँ दोस्तों, अगर आप इसको प्ले स्टोर पर सर्च करो तो ये शायद आपको फ्री में ना मिल जाए, बट इसको आपने किस तरह डाउनलोड कर देना है, किस तरह यूज़ कर देना है, इसके में किस तरह के फीचर आपको मिल जाने वाले हैं, आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए होने वाले हैं। तो वीडियो को यार कहीं पर भी मिस ना करें। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट मोहसिन, आप देख रहे हो टेक्निकल स्माइल के और नई वीडियो ट्यूटोरियल। सो यारे भाई, आपके अकेले करने से कुछ जाने वाला नहीं, आपके भाई का थोड़ा फायदा हो जाएगा। अभी से वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके जो मोबाइल में कैमरा एप्लीकेशन होता है उसमें वो सब फीचर मौजूद नहीं होते जो दोस्तों एक सिनेमेटिक या फिर प्रोफेशनल लेवल के लोग यूज कर लेते हैं। सो इसके लिए कुछ कस्टम एप्लीकेशन आ जाते हैं जो कि प्रो लेवल के एप्लीकेशन होते हैं, जिसमें आपको वो सारे फीचर मिल जाते हैं जो आप सिनेमेटिक शॉट लेने के लिए या फिर प्रोफेशनल वीडियो शूट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ DSLR कैमरा एप्लीकेशन शेयर करने वाला हूं। यार वीडियो को कहीं पर भी मिस ना करें। चलिए मोबाइल के स्क्रीन में जाते हैं, देखते हैं और कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को मुकम्मल देखते रहिए, आपको ये एप्लीकेशन फ्री में मिल जाएगा। सो चलिए मोबाइल के स्क्रीन में जाते हैं। सो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने एंड्रॉयड मोबाइल का कैमरा एप्लीकेशन चेक करवाऊंगा, उसके बाद दोस्तों हम कस्टम एप्लीकेशन के बारे में, प्रो एप्लीकेशन के बारे में चलेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं अपने एंड्रॉयड मोबाइल का कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तों आप इसको देख सकते हैं, इसमें ना तो फोकस आता है और ना ही दोस्तों इस तरह कलर ग्रेडिंग इसमें अच्छी है ताकि जो आपकी वीडियो है वो अच्छी तरह शूट हो। यहाँ पर दोस्तों इसमें सेटिंग भी इतनी नहीं है जो कि एक कस्टम एप्लीकेशन में होती है, जो कि प्रो लेवल के एप्लीकेशन में होती है। चलिए हम अब चलते हैं वो प्रो एप्लीकेशन के बारे में तरफ, और यहाँ पर मैं आप लोगों को वो एप्लीकेशन दिखाने भी वाला हूँ और किस तरह आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसको एक बार लाजमी सा यूज़ करें अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। किसी किस्म का भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी सा करें। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसको सर्च करना चाहो तो इसका नाम है सिनेमा FV5। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करो तो इसके दो किस्म के वर्जन आपको मिल जाते हैं, नंबर एक दोस्तों लाइट वर्जन, नंबर दो प्रो लेवल वर्जन। अगर आपको प्रो चाहिए तो नीचे लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें, अगर आपको लाइट चाहिए तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, पर इसमें उसमें इतने फीचर आपको नहीं मिलने वाले। चल कंटिन्यू क्लिक कर लेता हूं, और यहां पर हमारे पास ओल्ड वर्जन है तो कोई बात नहीं क्योंकि इसमें सब कुछ मिलता है। यहां पर हम क्लोज पर क्लिक करेंगे और यहां पर दोस्तों आप कमाल देखो, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसकी फोकस लेवल देखो, बहुत ही कमाल का फोकस लेवल दिया गया है इसमें, जो कलर ग्रेडिंग है वो भी बहुत ही कमाल की आ रही है। साथ में कुछ इसकी सेटिंग्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर जूम का जो ऑप्शन दिया गया है, सो यहाँ पर जूम भी बहुत कमाल का होता है, और यहाँ पर नीचे नीचे दोस्तों आपको जो एक्सप्लोजर का ऑप्शन दिया गया है, जो वाइटनेस आपकी वीडियो में आती है वो भी कमाल के हैं, जो कि आपको अपने मोबाइल कैमरा एप्लीकेशन में वो नहीं मिलते। ISO टूल दोस्तों यहाँ पर आपको 3200 तक जाते हैं, अगर आप इसको हाई कर लेते हो तो सब कुछ वाइट आ जाएगा। इसको अपनी मर्जी से आपने सेट कर देना है और आराम आराम से दोस्तों आपने इसको सेट कर देना है, जो कि आपकी वीडियो के हिसाब से होगा। साथ में दोस्तों यहां पर आपको अपनी मर्जी से दोस्तों फोकस और ब्लर कर सकते हो। अगर आप यहां पर क्लिक करो तो ये किसी भी बॉडी को दोस्तों ऑब्जेक्ट को ये शूट कर लेता हो। दोस्तों यहाँ पर आप मैनुअल तरीके से ब्लर कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो अपनी मर्जी से आप इसमें ब्लर कर सकते हो, पर हमने अपनी मर्जी से नहीं कर देना, हमने ऑटो फोकस सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम कुछ सेटिंग्स के बारे में बताते हैं आपको। यहाँ पर दोस्तों आपको ISO टूल भी बता दिया, यहाँ पर एक्सप्लोजर आ गया है, सो एक्सप्लोजर को दोस्तों आप हाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, जितना आप इसको हाई करना चाहो इतना ही आप हाई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन और भी मिल जाते हैं, जैसे मेन्यू में हम आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ग्रेड आपको मिल जाता है, साथ में यहाँ पर वीडियो लेवल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप डायरेक्टली अपनी वीडियो में फ्रेम ऐड करना चाहो विदाउट एडिटिंग के तो आप ऐड कर सकते हो। साथ में यहाँ पर तो आपको सेटिंग्स कुछ मिलेंगे, सो सेटिंग्स में हम जाने हैं और यहाँ पर दोस्तों फोकस बिफोर कैप्चरिंग इसमें आपने क्लिक कर देना है, अलाउ कैप्चरिंग वीडियो विदाउट फोकस यहाँ पर इसको नहीं क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिल्टर फ्रिक्वेंसी आफ्टर यहाँ पर आपने खुद ही सेलेक्ट कर देने हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि ये हमें पता नहीं चलता इसका। यहाँ पर आपने नीचे जाना है, कुछ इतना ज़्यादा सेटिंग्स में और है नहीं, वीडियोस पे आना है, सो वीडियो में दोस्तों आप इसी वीडियो आप 4K में भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर 4K आपको लिखा नज़र आ रहा है तो 4K में भी आप इसकी वीडियो शूट कर सकते हो। साथ में दोस्तों आप लिमिटेड रिकॉर्डिंग लेंथ आप यहाँ पर ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। लिमिटेड रिकॉर्डिंग साइज भी यहाँ पर दोस्तों आप मेंशन कर सकते हो, पर जो है वो ऑटोमेटिकली वो सब सही है। तो दोस्तों बेस्ट कैमरा है,
एक बार इसको लाजमी सा यूज़ करें, मुझे बहुत ही अच्छा यकीन मेरा लगा, क्योंकि दोस्तों इसकी फोक्स लेवल बाकी इसमें दोस्तों आप कमाल की दोस्तों वीडियो शूट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो आप दोस्तों पसंद आई होगी। इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।